आनंद नगर में चुनाव को लेकर राकेश विश्वकर्मा ने कही बड़ी बात। महाराजगंज आनंद नगर फरिंदा में नगर निकाय चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया। वहीं सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने वादे लेकर मैदान में उतरे। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जानत्री देवी माता राकेश विश्वकर्मा को आनंद नगर से उम्मीदवार उतारा गया। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राव ने बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जिला के हर नगर से अपने अपने प्रत्याशी को उतारा। यदि हमारी पार्टी के लोग विजयी होते हैं तो हम नगर का चौमुख विकास करेंगे, हर शुद्धा नगर के सभी लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। राकेश विश्वकर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा नगर को साफ और सुंदर नगर बनाएंगे, चौमुखी विकास करेंगे। राकेश विश्वकर्मा ने यह भी कहा कि इससे पहले नगर अध्यक्ष के द्वारा काफी कालाधन इकट्ठा किया गया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। अगर हम जीतते हैं तो नगर में एक एक पैसे का हिसाब लेंगे और आनंद नगर को हर तरह से साफ और सुंदर रखेंगे। उद्घोष समय के लिए मिश्रा के साथ अनवर अली की खास रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, उसके बाद बताएं आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या। मैं राकेश विश्वकर्मा हूं, जो बहुजन समाज पार्टी का एक जो है कि कार्यकर्ता हूं और जो नगर पंचायत आनंद नगर से विगत 4 वर्षों से चेयरमैन पद का दावेदारी कर रहा हूं। चूँकि यहां महिला सीट होने के नाते हमारी माताजी श्रीमती जानत्री देवी माता राकेश विश्वकर्मा चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं। और यदि आप आनंद नगर से जीत हासिल करते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। देखिए, नगर पंचायत आनंद नगर की जनता का खूब प्यार समर्थन आशीर्वाद हमको मिल रहा है, क्योंकि यहां जो भी चेयरमैन प्रत्याशी चाहे वर्तमान हो पूर्व हो, उन लोगों का जो कार्य है जनता को लूटने का काम किया है। 10 रुपया लगा के 50 रुपया कमाने का लोग काम कर रहे हैं, यानी पूरे चुनाव को इन्होंने व्यापार बना के रख दिया है। और कुछ ऐसे चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं सिर्फ बैनर पोस्टर लगा के जनता के बीच में कभी चलने का नहीं काम कर रहे हैं। आज चुनाव आया है तो लोग दौड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन राकेश विश्वकर्मा विगत 4 वर्षों से जनता के बीच में निरंतर चलने का काम कर रहा है और पूरी जनता हमारा जो है कि समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले यहाँ जो शिक्षा का जितना गिरा हुआ स्तर, जो गरीब तबके का बच्चा जो है कि पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करूंगा, उनकी प्रतिभा को आगे ले जाने का काम करूंगा। और खेल के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो खेल के क्षेत्र में उनके अंदर लगन है, प्रतिभा है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि उसको आगे ले जाने का काम नहीं कर रहा है। राकेश विश्वकर्मा इस क्षेत्र में विधिवत काम करेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ बनकटी अस्पताल है जहाँ निरंतर जो है कि गरीबों के साथ लूटने का काम किया जा रहा है, वहाँ जिस तरीके से जनता को लूटने का काम किया जा रहा है बनकटी अस्पताल में, उस पर अंकुश लगा के जनता को न्याय दिलाने का काम करूंगा। और सबसे बड़ी चीज, जनता नेता को जनता इसलिए चुनती है कि वो उसका सेवा कर सके, लेकिन जनता का जो सरकारी धन आता है उस धन का सदुपयोग यहाँ के नेता स्वयं कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी जनता को कहना चाहता हूँ, जनता का जो हक और अधिकार है, जो एक बजट आता है नगर के लिए, मैं सम्मानित जनता के बीच में जो लायक है, जो जरूरतमंद है, एक एक घर पहुंचाने का काम करूंगा और इसी मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं।